नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आपको मैं ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे मेरे गार्डन में, ये सुंदर सुंदर से कॉस्मोस के फ्लावर ये देखिए मेरे पास। मैंने इस बार ये सीड से ग्रो किए थे और एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि जो सीड्स उगाने का अनुभव है वो मेरा ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन ये अगर मैं कॉस्मोस के फ्लावर देखता हूँ ना तो मेरा मन जो है ना वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है एकदम। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिस तरह से हम किसी एक गार्डन में फ्लावर देखते हैं और हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वही अनुभव मैं आज कर पा रहा हूँ ये सुंदर से कॉस्मोस के फ्लावर देखकर। ये देखिए आप भी, क्योंकि ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद थे और लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की थी इनको उगाने की तो ये नहीं उग पाए थे, लेकिन इस बार तो ये उग ही गए और 5-6 पौधे ही सही, लेकिन मन खुश हो गया मेरा। ये देखिए, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का जो वीडियो है आप देख चुके होंगे कि ये देखिए धूप निकल चुकी है और जो बादल हैं वो धीरे धीरे छट रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हाल बेहाल था गार्डन का। तो अभी धूप निकली थी, 1-1.5 घंटा पहले हम अपनी छत पर आए थे, तो आने के बाद हमने बहुत सारे काम किए, वो मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। काम हमने क्या क्या किए हैं, सबसे पहले तो हमारे जो पौधे थे इस तरह से देखिए हमने छुपा छुपा के बारिश से बचा के रखे हुए थे। तो सबसे पहले तो हमने सारे जो पौधे हैं अपने वो बिल्कुल बाहर किए हैं, धूप इनको लग जाए अच्छी तरह से, खुले इनको कर दिए हैं ताकि थोड़ी सी इनमें हवा लगे और जो ज़्यादा इनके अंदर नमी घुसी हुई है वो थोड़ी सी हल्की हो। और हमारे जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से खिलखिलाते रहें। और ये देखिए ये आबरा का डाबरा, मेरा रोज, टाइगर रोज इसको बोलते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी चूँकि धूप निकली है तो मेरे जरबेरा के जो प्लांट हैं उनके फूल बिल्कुल इस तरह से झुक गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनको शर्म लग रही है और ये शर्मा गए हैं मुझे देखकर। बड़ा ही खुशी मिलती है जब अपने गार्डन में हम आते हैं। और एक और ये रोज़ देखिए येलो, ये भी बहुत अच्छा है। तो बात कर रहे थे कि क्या क्या काम करने हैं बारिश के बाद, तो सबसे पहले तो हमने गार्डन की पूरी साफ़ सफाई की और सारे अपने पौधों को बाहर निकाला है। उसके बाद इन पौधों को हल्का हल्का दूरी बना के इनको रख दिया है ताकि जो इनमें हवा लग सके। और तीसरा अब जो काम करना है, जिस तरह से आप देखिए ये जो पत्ते आपको दिख रहे होंगे ना, ये देखिए ये इस तरह से पत्ते, फूल और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं इस तरह से देखिए। जैसे पालक को हमने कट किया था, इसमें ये जो पीले पत्ते आपने देख रहे होंगे ना, ये पत्ते आपने हटाने हैं क्योंकि ये बारिश के बाद ना फंगस का सबसे बड़ा कारण होते हैं ये इस तरह के पत्ते। ये देखिए ये जो गले हुए पत्ते हैं ना, चाहे गले हुए पत्ते हों चाहे फिर फूल टूट के गिरे हुए हों वो भी, तो इस तरह से जो टूटे हुए फूल हैं या पत्ते हैं वो सारे आपने हटा देने हैं गमले में से, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है फंगस का। और ये जो बरसात के बाद जो नमी होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगती है पौधों में। तो ये देखिए गुलाब के जो फूल हैं वो सारे डैमेज होके बरसात में नीचे गिर गए हैं, काफ़ी बंचेज में इन पर फ्लावर आए हुए थे। ये देखिए इस पर मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, बहुत सारे फ्लावर थे इसमें। तो इस तरह से ये सारे आपने हटा देने हैं जो पत्ते गिरे हुए हैं ताकि फंगस ना आए। और दूसरा जो ये देखिए ये हमारा जो गुलाब है ना, इसमें नीचे से निकल आते हैं जंगल, ये ग्राफ्ट के नीचे से ये जंगल निकल आते हैं, तो इनको भी हटा देना है। ये भी सकर्स होते हैं और ये आपके जो पौधे होते हैं ना उनका बिल्कुल खून चूसते रहते हैं एक तरह से, जो भी इनको हम खाद पानी देंगे वो बिल्कुल भी इनमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये सारे आपको रिमूव कर देने हैं। और जिन पौधों को धूप चाहिए खासतौर पे, उनको थोड़ा सा आपने धूप में रखना है ताकि वो धूप लगने के बाद थोड़े से नमी उनकी चली जाए। और हाँ एक चीज़ और, जो आपने पौधे अंदर रख दिए, जैसे आधी बरसात हुई उनको पौधे आपको याद आया कि बारिश में भीग गए, आपने अंदर अगर उनको रख दिया है तो जैसे ही बारिश ख़त्म हो बंद हो तो उसको आप
बाहर हवा में ज़रूर रखते हैं, या जहाँ पर आपकी धूप थोड़ी सी आती हो बालकनी वगैरह में वहाँ ज़रूर रखें। उनमें हवा अगर नहीं लगेगी तो उसमें फंगस बहुत जल्दी पनपती है, तो ये ख्याल ज़रूर रखें आप। और तीसरा, आपके जो फूल ऐसे हो जाते हैं ना जैसे बारिश में मुरझा जाते हैं या फिर उनको मतलब ख़राब हो जाते हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी रहता है, वो भी फंगस में मतलब काफ़ी जल्दी लगती है उनको भी फंगस। तो इस तरह से जैसे पेंजी के फ्लावर आप देख रहे हैं, इनको भी आपने रिमूव कर देना है क्योंकि बारिश में ये ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसे इनको भी हम जितने फ्लावर ख़राब हो गए डेड हो गए उनको हम रिमूव कर दें। तो इस तरह से हम ये करते हैं। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमने बरसात के बाद में करना है। और एक चीज़ और आम मैं बताना भूल गया, अगर आपके जो गमले हैं ना उनमें अगर पानी ज़्यादा रुक गया है, पानी ठहर गया है, तो आप उनमें ना हल्के से इस तरह से ना ये देखिए छेद कर सकते हैं, इस तरह से आप उनमें छेद कर दीजिए, वो सारा पानी बाहर निकल जाए। और आगे एक अगर एक आध दिन बाद भी कोई बारिश की संभावना हो तो पानी अगर बरसात कर रुकना चाहे तो वो भी ना रुक पाए। तो ये सारी जानकारी। और एक और जो मेन काम है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो पौधे हैं जिनमें आपको लगता है कि इनमें फंगस लग सकती हैं, ऐसे प्लांट जैसे पेटूनिया हो गया, पेटूनिया में भी फंगस लगती है, पेंजी है, ये रूट रोट होने के कारण ये ख़राब हो जाते हैं अगर इसमें ज़्यादा पानी लग जाए, तो आपने क्या करना है कि फंगिसाइड पाउडर आपने स्प्रे करना है, या फिर फंगिसाइड पाउडर को पानी में घोलकर एक चम्मच एक लीटर में आपने उनको अपने जो पौधे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर सरफेस पे डाल देना है। जो पुरानी बोतल आती है ना कोलिन की खाली हो जाती है, तो मैं उसको एज ए स्प्रे यूज करता हूँ, उसमें फंगिसाइड का जो पाउडर है ना वो मिला के रखा हुआ है मैंने। तो इस तरह से आपने जो ऊपर का सरफेस है ना उसको आपने स्प्रे कर देना है ऊपर। ये देखिए जितने भी अपने पेंजी हो गया या फिर पिटूनिया हो गया उन सारे पौधों को देखिए, मेरा इधर पिटूनिया रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पिटूनिया, और ये जो पुराने इसके फूल हो गए ना अब इनको हटा देना है। आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस तरह से इनके आपने सरफेस के ऊपर स्प्रे कर देना है। तो ये कुछ एक काम थे जो बरसात के बाद आपने, जैसे ये सर्दियों की जो बरसात है इसके बाद आपने करने हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आप मेरे, देखिए दो प्लांटर और गजेनिया के इनमें फ्लावर मैंने पौधे लगाए हुए हैं और फ्लावर इन पर आए हुए हैं, ये देखिए। तो बाकी और व्यू किसी दिन और दूंगा मैं गार्डन का, आप चैनल पर ऐसे ही बने रहें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डेजी के सुंदर से फूल खिल आए हैं, और एक ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था, ये देखिए डेजी का फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है ना, ये वाइट कलर, और सीड्स इसमें कई सारे हैं, मेरे पास 3-4 सीड्स निकले हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं वो आपके कुछ काम आ सके। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।